दोस्तों क्या आप भी अपने फ़ोन में GB WhatsApp को यूज़ करते हो? दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन में GB WhatsApp को यूज़ करते हो तो दोस्तों आप सावधान हो जाएं, क्योंकि GB WhatsApp से जो है वो आपका फ़ोन जो है वो हैक हो सकता है। दोस्तों आज मैं आपको GB WhatsApp के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि GB WhatsApp से जो है वो आपका फ़ोन कैसे हैक हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ज़रूर पता होगा अगर आप GB WhatsApp यूज़ करते हो कि GB WhatsApp जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर GB WhatsApp सर्च करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो GB WhatsApp यहाँ पर नहीं आता। जो आप GB WhatsApp यूज़ करते हो यहाँ पर प्ले स्टोर पर वो अवेलेबल नहीं है। अगर दोस्तों आप जो है GB WhatsApp यूज़ करते हो तो दोस्तों आपने जो है वो ज़रूर से गूगल पर से वो डाउनलोड किया होगा। तो गूगल पर से हम जो भी मोड APK डाउनलोड करते हैं वो दोस्तों बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते। दोस्तों जो हम जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करते हैं वो दोस्तों फुल सिक्योरिटी के साथ होती है। इसलिए दोस्तों GB WhatsApp जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों GB WhatsApp जो है वो आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। इसलिए दोस्तों प्ले स्टोर ने उसे जो है वो अनुमति नहीं दी है प्ले स्टोर पर आने के लिए। दोस्तों इसलिए आपको प्ले स्टोर पर जो है वो GB WhatsApp नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप GB WhatsApp पर अपनी पर्सनल चैट करते हो तो दोस्तों वो जो है वो सिक्योर नहीं होती। वो दोस्तों चैट जो है वो और किसी के पास भी जा सकती है। जैसे कि आपकी कोई जो है वो फ़ोटो हो गई या आपकी बैंक की फ़ोटो हो गई तो दोस्तों वो जो है वो सिक्योर नहीं होती, क्योंकि GB WhatsApp जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। इसलिए वो जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। अगर दोस्तों आप जो है अपने फ़ोन को देखना चाहते हो कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने सिंपली से अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाओगे आपने नीचे की तरफ को आना है। नीचे की तरफ को आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फ़ोन का, आपने सिंपली से यहाँ पर फ़ोन वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों अगर आपका फ़ोन जो है वो हैक होगा तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर नंबर बताया गया होगा उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने आपका जो है वो फ़ोन हैक किया होगा उसका नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा तो दोस्तों आपने जो है उसे इरेज कर देना है और सेव कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका फ़ोन जो है वो अनहैकड हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।